यूपीएससी 2016 का रिजल्ट आ चुका है और टोटल 1099 छात्रों ने इस परीक्षा में बाजी मारी है, जिसमें से 846 पुरुषों ने तथा 253 महिलाओं ने बाजी मारी है। देश की बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है ये। इसमें ऑल ओवर इंडिया 288वीं रैंक लाने वाली जेएनयू की छात्रा प्रीति हुड्डा जी हमारे साथ हैं। आज इनसे हम इनके बारे में जानेंगे, इनके आगामी भविष्य की योजनाओं के बारे में जानेंगे। पहले तो बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक बधाई प्रीति जी। आप पहले तो आप अपने बारे में बताइए, अपने विषय में बताइए तथा अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताइए कि कहाँ से आप आती हैं, कहाँ की रहने वाली हैं। मेरा नाम प्रीति हुड्डा है और मैं भद्रगढ़ शहर की रहने वाली हूँ। हरियाणा के झज्जर जिले का एक छोटा सा शहर है और हमारी सांस्कृतिक विरासत मूल रूप से हम लोग हरियाणवी हैं। हरियाणा में जहाँ दूध दही का खाना और इस तरीके की जहाँ बातें प्रचलित हैं। और पढ़ाई मेरी 12th क्लास तक मैंने हरियाणा बोर्ड से ही पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन मेरी DU से हुई है और MA और MPhil PhD मैं यहाँ JNU से कर रही हूँ। जी, किस विषय से मैम ग्रेजुएशन है? लक्ष्मीबाई कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन है। विषय क्या था मैम आपका? हिंदी ऑनर्स मेरा विषय था। अच्छा, हिंदी ऑनर्स मैम आपका विषय था। तो हिंदी से आपने यह सफलता अर्जित की है मैम। और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार की घरेलू स्थिति है। जैसा कि हरियाणा के बारे में ऐसी जनश्रुति है कि वहाँ स्त्रियों की शिक्षा की दर, स्त्री और पुरुष जन्म की दर अभी तो खैर बहुत अच्छी हो गई है, पहले बहुत कम थी, उसके बारे में ऐसे माहौल से, ऐसे प्रदेश से आप आती हैं और आज अपने प्रदेश का आप मॉडल बनी हुई हैं। आप अपने ज़िले की सभी युवा धड़कनों की आप रोल मॉडल के रूप में आप उभरी हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा जन्म, हम लोग एक संयुक्त परिवार में पले बड़े हैं, जहाँ हम लोग पूरे परिवार को मिलाएं तो 6 बहनें और 5 भाई थे। और मैं अपने परिवार में पहली हूँ, लेकिन संयुक्त परिवार में मैं 5वें 6वें नंबर पे शायद आती हूँ। और हमारे परिवार में ये था कि लड़कियों की शिक्षा के प्रति इतना ज़्यादा मोह नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी का सपना था कि सारी की सारी लड़कियाँ पढ़ें। और हमारा एक स्कूल भी है, मैंने अपने ही स्कूल से पढ़ाई की है जो कि इंटर कॉलेज है। और मेरी दादी का ये कहना था कि लड़कियों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए कम से कम उनको शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए, ताकि वो आगे कुछ ना कुछ अपने पैरों पर खड़ी हो सके, कुछ कर सके। तो खास करके मेरे पिताजी ने हमारी शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया है। आज उन्होंने मुझे पढ़ने का एक मौका दिया है, जहाँ मेरे साथ की सारी लड़कियों ने शादी कर ली, अपने परिवार को वो संभाल रही हैं। मेरे पिताजी ने मुझ पर विश्वास रखा और कहा कि नहीं, तुम ज़रूर एक दिन कुछ ना कुछ बनोगे, हमारा नाम रोशन करोगे, तो उन्होंने मुझे मौका दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के बारे में जो हरियाणा में धारणा है वो इस मौके से ही बदल सकती है। लड़कियों पहले तो पैदा नहीं किया जाता, लेकिन आजकल खैर वो धारणा बदल रही है। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि आप उनको सिर्फ हायर एजुकेशन नहीं देते, हायर एजुकेशन में लड़कियों को मौका देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि सरकार को ग्रेजुएशन तक लड़कियों की शिक्षा फ्री कर देना चाहिए, ताकि बिना किसी झंझट के और बिना फीस की वो किए उनकी शिक्षा हो सके, मतलब उनको शिक्षा प्राप्त हो। मैम, आप अपने पिताजी के और माताजी के बारे में कुछ बताएंगे? मेरे पिताजी यहाँ DTC में ड्राइवर हैं और हमारे स्कूल के संचालक भी हैं। मेरी माता गृहिणी हैं और स्कूल का भी देख रेख करती हैं। तो इतने बड़ी जज्बे के साथ और आपने इस परीक्षा को आज सफलता प्राप्त की है, इसके पीछे मैम श्रेय किसको देना पसंद करेंगी आप? मैं इसमें श्रेय मेरी फैमिली को, खास करके मेरी मम्मी को, मेरे पापा को और मेरे दोस्तों को मैं श्रेय देना चाहूँगी, जिसमें रामानुज है, अशोक हैं, ऋतु हैं, सब हैं। मतलब मैं उनको बहुत ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगी कि अगर मेरे दोस्त नहीं होते तो शायद मैं नहीं होती। उन्होंने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है, खास करके मेरे पिताजी ने मुझ पर विश्वास रखा और उन्होंने मुझे एक मौका दिया है कि तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, जहाँ तुम्हारा पढ़ने का मन है, जैसे पढ़ने का मन है वो तुम हासिल करो। और ये जो शिक्षा वाला मामला है, मेरे दादाजी के नाम से ही हमारा स्कूल है, वो ये चाहते थे कि घर परिवार में सभी शिक्षित हों उन्हीं के नाम पे, ताकि आगे आगे के बच्चे भी शिक्षित हों। मेरे पिताजी ने स्कूल खोला है हमारी परिवार वालों ने, मैं इसका श्रेय वहीं अगर शुरू से देखा जाए तो मेरे दादा दादी, मम्मी पापा और मेरे दोस्तों को। मैम, आपके मन में यह कब विचार आया, ऐसा कब आपको लगा कि आपको सिविल सर्विसेज की तरफ झुकाव करना चाहिए, आपको UPSC की परीक्षा देनी चाहिए इस क्षेत्र में, जबकि रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम कैरियर है इस को समझते हुए, क्योंकि आप हायर एजुकेशन में
आप दिल्ली विश्वविद्यालय के भी छात्र रहे हैं, देश के प्रतिष्ठित जेएनयू विश्वविद्यालय के भी आप छात्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भी आप छात्र रहे हैं, तो ये ऐसा आपके मन में जुनून या जज्बा कब आपके अंदर यह जन्म लिया? क्या यह बचपन से था या फिर यहाँ आकर या किसी को देख कर यह आपके अंदर यह जन्म लिया? मेरे पिताजी का एक सपना था कि उनकी बेटी कुछ बने, अधिकारी बने, आईएएस बने, और इस बारे में मैंने गंभीरता से विचार करना जेएनयू आके शुरू किया। मेरे यहाँ पे दोस्त जो हैं वो तैयारी कर रहे थे, उन्हीं लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि हाँ तैयारी किस तरीके से की जाती है, क्या किया जाता है, आईएएस बनने का एक क्या महत्व होता है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे मोटिवेशन जो है वो अपने दोस्तों से ही मिला। और मतलब पिताजी का एक सपना था तो मुझे लगा कि हाँ मतलब मुझे भी इस तरफ एक करियर बनाना चाहिए। मेरा मेन मकसद यही था कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ किया जाए, खास करके लड़कियों की शिक्षा के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, और अगर मैं इस फील्ड में आती हूँ तो मैं उनके लिए ज़्यादा गंभीरता से कुछ कर पाऊँगी, इसलिए मैंने इस चीज़ को चुना और आईएएस बनने का मेरे मन में ख्याल आया। मैम आप हिंदी माध्यम से हैं और यूपीएससी में जैसा कि आम धारणा है कि हिंदी माध्यम के रॉ मटेरियल उपलब्ध कम होते हैं, उसके विषय सामग्री बहुत कम उपलब्ध होती है, इसको आप किस दृष्टि से देखती हैं और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए आप कुछ चैलेंज देखती हैं यूपीएससी की परीक्षाओं में? जी सर, चैलेंज तो है ही। जैसे क्या है कि हिंदी माध्यम में पहली बात तो जो अनुवाद आता है, पेपर का अनुवाद है या फिर सामग्रियों का जो अनुवाद है, वो बहुत ही क्लिष्ट होता है। इस तरीके का होता है कि हमें खुद इंग्लिश देखनी पड़ती है कई कई बार, और सामग्री का भी बहुत अभाव है। हालांकि आजकल थोड़ी थोड़ी अच्छी सामग्री उपलब्ध है, पर फिर भी मुझे भी और मेरे दोस्तों को भी हमें सामग्री की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आईं, लेकिन वही इंग्लिश हिंदी करके हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो भी है अपना किया पढ़ा। मैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हिंदी से परीक्षा पास नहीं हो सकती, अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। आप एक बार लगन से अगर किसी चीज़ में लग जाएँ तो हिंदी इंग्लिश भाषा आपके आगे आड़े नहीं आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो सामग्रियाँ भी उपलब्ध हो जाती हैं। मेरा तो अड़चने हैं, बहुत सारी अड़चने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को, ज़्यादा अड़चने हैं। वही पेपर पूरा करने में हमें 3-4 घंटे लग जाते हैं हिंदू पेपर पढ़ने में, जबकि इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी उसको 1 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद, इन सारी अड़चनों के बावजूद, हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ हमें इस चीज़ को करना है, हमें किन लोगों से लड़ना है, किन चीज़ों से लड़ना है, तो उससे एक संघर्ष से भी एक नई प्रेरणा मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है अड़चने हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि एकदम नामुमकिन है, मुमकिन है, और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी आसानी से थोड़ी बहुत लगन और मेहनत के साथ इसको क्रैक कर सकते हैं। संघर्ष से आपको प्रेरणा मिलती है आपने बताया, तो मैम क्या यह आपका पहला अटेम्प्ट था या इसके पहले भी आपने यूपीएससी परीक्षा दी और उसमें अपने हाथ आजमाइश किया और सफलता, इस पर थोड़ा सा विस्तार से बताएं, और कोचिंग का सहारा आपने लिया कि नहीं, कोचिंग कितना महत्वपूर्ण है इस बात पर भी जिक्र करें। सर ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट है, मैंने 2 बार मेरा प्रीलिम नहीं हुआ था, इसी बार मेरा प्रीलिम हुआ था और मेन्स और इंटरव्यू। और कोचिंग की, पहले जब सीसेट कंपलसरी था तब मैंने सीसेट की कोचिंग ली थी 2011 में, लेकिन उसके बाद वो क्वालिफाई हो गया। उसके बाद मैंने इस तरीके से कोई कोचिंग नहीं ली है, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और पहले 2 अटैम्प्ट से मुझे ये लगा कि मैं जिस दिशा में पढ़ाई कर रही हूँ वो सही नहीं है। बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करने से नहीं पढ़ाई हो पा रही है, आपको एक कॉन्साइज वे में एक पूरी मैनेजमेंट के साथ, ये खासकर मुझे मेरे दोस्तों से मोटिवेशन मिला, हम दोस्तों ने अच्छे से मैनेज करके जो पढ़ाई की उससे ये हुआ कि हाँ अब हम सही दिशा में जा रहे हैं। प्रीलिम रह गया, प्रीलिम के बाद मैंने मेंस के लिए भी कोई कोचिंग नहीं ली है, लेकिन टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी। टेस्ट सीरीज से फ़ायदा ये मिलता है कि आप जो सोचते हैं उसको लिख के आप देते हैं तो आपको उससे फ़ायदा मिलता है कि जो फीडबैक आपको मिलता है। और मेरा मानना है कि कोचिंग की ज़रूरत अगर आपको लगती है तो कोचिंग से पहले आपको खुद से एक बार अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि ये हो सके कि कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है एटलीस्ट उसके बारे में भी हमें पता हो। कई बार क्या होता है, कोचिंग में आपको इतना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं कि जिसकी ज़रूरत नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कोचिंग से पहले पूरे मैटर को, पूरे के पूरे सिलेबस को एक बार बहुत अच्छे से खुद से पढ़ लेना चाहिए। बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस तरीके से क्या पढ़ाई करनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि एकदम पूर्ण रूपेण कोचिंग का सहारा नहीं लेना चाहिए, आपको खुद से, कोचिंग के बाद भी पढ़ना खुद ही है। कोचिंग में सिर्फ आपको एक मोटिवेशन मिलता है, एक आपको गाइडलाइन मिलती है। तो मैंने ऐसे तो कोई कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन मैंने टेस्ट भी ज्वाइन की, प्रीलिम के लिए भी, मेंस के लिए भी, और मॉक इंटरव्यूज़ भी मैंने दिए। मैम इंटरव्यू का रोल कितना मानती हैं? जैसा कि जनश्रुति है, हम लोग उत्तर भारतीय रहने वाले हैं, उत्तर भारत के गांव-गांव में ऐसा बताया जाता है कि
आईएएस के इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन अडॉप्ट किए जाते हैं, बिल्कुल आपके अभी दो मिनट पहले हुई घटना से आपसे क्वेश्चन अडॉप्ट किए जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी तार्किक क्षमता देखी जाती है। तो कुछ अगर आपको किससे आपके इंटरव्यू के याद हो तो आप बताना पसंद करेंगे? जी सर, इंटरव्यू में जैसे ये है कि ऐसा हवा भी एक थोड़ा सा क्रिएट किया जाता है, लेकिन कई कई बार कई मौक़ों पर ऐसा आया भी है कि इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जिसमें आदमी एक बार हड़बड़ा जाए अगर उसकी तार्किक क्षमता या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक है। मुझसे हालांकि इंटरव्यू में इस तरीके के बहुत सवाल नहीं पूछे गए हैं, मुझसे नॉर्मल जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वही पूछे गए हैं, और जिसमें कि हमारे हरियाणा से ये जो सतलुज यमुना लिंक वाला मुद्दा है, ये वाला एक क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं जेएनयू से हूँ तो जेएनयू के स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे पूछा गया कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को क्या बैन कर देना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं उसमें पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं, तो वो कहाँ तक गया है। बाकी मेरा कबड्डी मैं खेलती थी स्कूल में, तो खेलों से मुझे सवाल पूछे गए कि ओलंपिक में भारत क्यों नहीं पदक ला रहा है, इसका क्या कारण है, और यहाँ पर एमफिल पीएचडी में मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, रिसर्च का क्या माहौल है, तो यही सारे सवाल मुझसे पूछे गए। कहानी पढ़ना मेरी हॉबी थी, कहानियों से सवाल पूछे गए, तो मुझसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा गया कि जिससे मैं एकदम हड़बड़ा जाऊँ या जिसमें एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत हो, तो नॉर्मल वही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन या फिर मेरे सब्जेक्ट से या मेरी हॉबीज से सवाल थे। हिंदी लिटरेचर मैम आपका विषय रहा मेंस में, तो मैम इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे गए थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चों के बीच आज भी एक जो बच्चा तैयारी करने जाता है, जबकि दिल्ली कोचिंग संस्थानों का हब बनता जा रहा है, आईएएस संस्थानों का यहाँ हब बनता जा रहा है, यहाँ कोचिंग मतलब दिन प्रतिदिन बिल्कुल तो और बिल्कुल उससे मतलब सक्सेस और उससे क्रैक करने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन आज भी खुल रहे हैं उनके फीसों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, तो मैम इस हिंदी लिटरेचर को ध्यान में रखते हुए आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन किए गए और आप उसका जवाब किस प्रकार से दे पाएं, किस प्रकार से संतुष्ट कर पाएं? मुझसे हिंदी लिटरेचर का पहला सवाल तो यही पूछा गया कि एमफिल में मेरा क्या विषय था एजुकेशन का, मेरा विषय स्वदेश दीपक नाट्य साहित्य था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपके इस डिजिटेशन से आगामी बच्चों को क्या सुविधा मिलेगी, उनको क्या सीखने को मिलेगा, तो मैंने इसका जवाब यही दिया कि मैंने जिस तरीके से रिसर्च की है, मेरा जो रिसर्च का मैंने मेथड अपनाया है, जो कि मैंने एनालिसिस किया है, वो बहुत बच्चों के काम आने वाला है कि एक नाटक को आप कितने विभिन्न नज़रियों से देख सकते हैं, नाटक का प्रदर्शन जो मेरे जो मैंने विषय में लिए थे उन नाटकों का प्रदर्शन देश भर दुनिया भर में हुआ, अलग अलग डायरेक्टर उसको कैसे प्रदर्शित करता है, उसके बारे में क्या सोच देता है, समाज को वो क्या देता है, उन सब चीज़ों का मैंने विश्लेषण किया, तो बच्चे शायद उस चीज़ से आगे प्रेरणा ले सकेंगे। बाकी उन्होंने मेरे पीएचडी का विषय पूछा था, पीएचडी का मेरा विषय है 19वीं शताब्दी का हिंदी स्त्री लेखन। जी पीएचडी में आपके गाइड कौन है यहाँ? रमन प्रसाद सिंह जी। तो मेरा ये टॉपिक पूछा गया और इसमें पूछा गया कि अभी आप क्या कर रहे हैं, मेरा ये मूलतः विषय है, इसमें मुझे अभी बहुत खोजना बाकी है, 19वीं शताब्दी की जो हिंदी स्त्री लेखिका है उनके बारे में इतिहासकारों ने बहुत कुछ नहीं लिखा, तो उसमें मेरा मैंने यही काम मैंने करना है कि कौन कौन है, कहाँ लाइब्रेरी में वो है या किसी संग्रहालय में है, कहाँ पर वो स्त्री लेखिकाएँ हैं, तो उनको ढूंढना मेरा काम है। इसी विषय पर उन्होंने बस दो ही विषय थे हिंदी से जो सवाल पूछे, एक सवाल उन्होंने कहानियों से पूछा कि स्त्री लेखिकाओं ने क्या क्या कहानियाँ लिखी हैं, ऐसे कौन से पुरुष रचनाकार हैं जिन्होंने स्त्रियों से संबंधित कहानी लिखी है, जैसे प्रेमचंद हैं उन्होंने भी स्त्री मनोविज्ञान से संबंधित काफ़ी कहानियाँ लिखी हैं, तो हिंदी लिटरेचर से मुझसे ये तीन ही सवाल पूछे गए, बाकी यही करंट अफेयर उन सारी चीज़ों से सवाल थे। रही बात कोचिंग की, तो एमए में जहाँ हमने जेएनयू से एमए की है, तो यहाँ पर मुझे इस एमए का ये फ़ायदा मिला, किसी भी विषय के बारे में आपकी पूरी तार्किक क्षमता के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाता है, आपको अपने अपने विचार सोचने पर मजबूर किया जाता है कि किसी विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा मिला। पेपर में जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो एकदम फैक्ट बेस्ड नहीं आते हैं, वो आपसे आपकी विचारधारा पूछते हैं कि मान लो जयसिंह ने कुछ लिखा है तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जयसिंह ने किस तरीके से लिखा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि केवल कोचिंग पर निर्भर रहने के बजाय थोड़ा सा आपको अपने आप से अपने आपसे पूछना चाहिए कि आप इन सवालों के बारे में क्या सोचते हैं, एक तार्किक क्षमता आपको विकसित करनी चाहिए आपके अंदर, और इसी से बेस्ड लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलेबस हिंदी लिटरेचर का बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वही बी ए एम ए में जो पढ़ते हैं या नेट के पेपर यूजीसी नेट के पेपर में वही सिलेबस है ऑलमोस्ट, उसको आप अच्छे से पढ़िए, अपनी तार्किक क्षमता मतलब बढ़ाइए, और मुझे लगता है कि उससे हो जाता है बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पर निर्भर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
खासकर जो बच्चे एमए कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं जरूरत है, जो अगर जिनका हिंदी सब्जेक्ट ही नहीं रहा और एकदम बाहर के हैं उनको बिल्कुल नहीं पता, उनके लिए कोचिंग शायद ज़रूरी हो सकती है, लेकिन जो एमए हिंदी में ही कर रहे हैं मुझे नहीं लगता उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, जैसा कि कहा जाता है कि संतोषम परम सुखम, तो आपने ऑल ओवर इंडिया 288वीं रैंक प्राप्त की है, तो इस रैंक से आप कितना संतुष्ट हैं? हालांकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इससे आप कितना संतुष्ट हैं और इसे आप किस तरह देखती हैं? मैं इससे संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मैं आईएएस ही बनना चाहती हूँ और मुझे पता है इस रैंक में मुझे आईएएस मिलेगा नहीं, तो मेरा सपना यही है कि मैं आईएएस ही बनूँ, और संतुष्टि थोड़ी कम ही है, मैं खुश हूँ बहुत लेकिन संतुष्टि थोड़ी कम है। तो तैयारी जारी रहेगी? तैयारी एकदम जारी रहेगी, मैं आगे अभी जो 18 अप्रैल को पेपर 18 जून को जो पेपर है मैं उसमें पेपर दूंगी और पूरी मेहनत के साथ दूंगी ताकि मुझे एक अच्छा रैंक मिले और मैं आईएएस बन सकूँ। शुभकामना रहेगी मेरी। मैम, आप अपना रोल मॉडल किसे बताना पसंद करेंगे? मैं अपना रोल मॉडल में मेरे पापा को मानती हूँ जी, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है और बहुत कठिनाई से वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं, हमें इस मुकाम पे पहुँचाया है खास करके। और दूसरे नंबर पे मैं मेरी मम्मी को मानती हूँ, मेरी मम्मी जितनी शांत स्वभाव की है, जैसे वो धैर्य से काम लेती हैं, हर एक चीज़ पर सोचती समझती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने मेरे पेपर के दौरान महसूस की कि ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, आपको धैर्य से उसका काम लेना चाहिए। और मम्मी पापा को मैं बोलती हूँ। आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे 2 भाई छोटे हैं और 1 बहन है। मेरा भाई है छोटा अमर और आकाश, और बहन का नाम है पूजा। अच्छा मैम, अंतिम प्रश्न आपसे ये कि अभी जैसा बीच में जेएनयू को कुछ लोगों ने बंद करने की कोशिश की, जबकि सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि आज भी सबसे अधिक पूरे देश में 9% जेएनयू से निकलते हैं, लगभग 63-64% की ये आंकड़े हैं, तो इस पे खैर अभी तो आप एक प्रशासनिक सेवा के रूप में, एक अधिकारी के रूप में आप इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा कठिन सवाल है, लेकिन तटस्थ होकर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जैसा जेएनयू के प्रति धारणा है आम लोगों में, मैं जहाँ से आता हूँ या जहाँ भी बात करिए जेएनयू के लोगों में बात कीजिए, जेएनयू से बाहर जेएनयू के लोगों के बारे में बात कीजिए, तो एक गलत प्रचार किया गया है, गलत उसका भ्रम फैलाया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जैसा आपने कहा कि भ्रम तो फैलाया गया बहुत ज़्यादा, हम यहाँ रह रहे हैं, हमें यहाँ की हकीकत पता है क्या है। यहाँ सबसे दिक्कत जो लोगों को लगती है बाहर वो लगती है कि बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं राजनीति भी करने, जबकि उनको ये नहीं पता आज के समय में राजनीति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपकी ज़िंदगी में हिस्सा है, आपकी ज़िंदगी में हर तरीके से हस्तक्षेप करती है। जब आप उस राजनीति को समझेंगे ही नहीं, तब आप कैसे जीवन में आगे कुछ कर सकते हैं, कैसे आप डिसीजन ले सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ज़्यादा दिक्कत यही है कि सवाल क्यों उठा रहे हैं, समाज में क्या होता है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, सवाल मत उठाइए। जैसे ही आप सवाल उठाना शुरू करते हैं आप लोगों की नज़रों में चढ़ जाते हैं कि गलत है सही है जैसा भी है, उसके बारे में फिर धारणाएं बननी शुरू हो जाती है। जेएनयू के बारे में वो धारणा नेगेटिव रूप से बने कि यहाँ के बच्चे देशद्रोही हैं या फिर इस तरीके से हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा देशभक्त ही हम हैं। जिस देश के बारे में हम ही ज़्यादा सोच रहे हैं, एक तार्किक तरीके से सोच रहे हैं, हम क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में इतना? हम भी औरों की तरह बैठ जाएं हाथ पे हाथ धरके, लेकिन हम नहीं बैठ रहे। हम क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस देश को कहाँ आगे ले जाना होगा, इस देश का विकास किस दिशा में होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की ये जो धारणाएँ हैं वो इसी तरीके से टूटेगी कि यहाँ के बच्चे देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, पीछे यूनिवर्सिटी को इतनी अच्छी रैंकिंग मिली है पढ़ाई के क्षेत्र में, रिसर्च में हाँ प्रथम स्थान रहा है, प्रेसिडेंट ने प्रेस्टीजियस अवार्ड दिया है, यहाँ के बहुत सारे बच्चों का अभी प्रशासनिक सेवा में हुआ है, होता आया हर साल होता आया है, और ऐसा कहा जाता है कि प्रशासनिक सेवा में जेएनयू वाले बहुत सफल हैं, उनका रेशियो भी और मतलब गुणवत्ता के स्तर पर भी और क्वांटिटी के स्तर पर, क्वालिटी और क्वालिटी दोनों, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के स्तरों पर जेएनयू के बच्चे बहुत आगे, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो आपको एक सोचने समझने की शक्ति देता है, आपको चीज़ों पर सवाल उठाने को कहता है कि आप चुपचाप हाथ पे हाथ धरे मत बैठिए, अगर गलत हो रहा है तो सवाल उठाइए, चाहे सही है गलत है, सही के लिए आप हमेशा खड़े रहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये धारणा धीरे धीरे मतलब टूटती ही है जब बच्चे यहाँ के सफलता प्राप्त करते हैं, और मेरा मानना है कि लोगों को भी एकदम से ये एक ट्रेंड चल पड़ता है, एक मैसेज फॉरवर्ड होता है उसी के पीछे फॉरवर्ड होते चले जाते हैं, तो आपको किसी भी बारे में एक बार रुक के सोचना चाहिए, एकदम से आपको किसी चीज़ के बारे में कोई धारणा नहीं बनाना है मेरा ऐसा।
हमसे खबरिया बाबू से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि इस संतुष्टि इस मुकाम तक ही आप न रहें, आगे ऑल ओवर इंडिया में आप और अच्छा मुकाम लाएं, फर्स्ट रैंक लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन विजय शंकर गुप्ता के साथ आशीष कुमार पांडे, नई दिल्ली जी। तो और बिल्कुल उससे मतलब सक्सेस और उससे क्रैक करने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन आज भी खुल रहे हैं उनके फीसों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। तो मैम, इस हिंदी लिटरेचर को ध्यान में रखते हुए आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन किए गए और आप उसका जवाब किस प्रकार से दे पाएं, किस प्रकार से संतुष्ट कर पाएं? मुझसे हिंदी लिटरेचर का पहला सवाल तो यही पूछा गया कि एमफिल में मेरा क्या विषय था, डेजिटेशन का। मेरा विषय स्वदेश दीपक का नाट्य साहित्य था। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप के इस डेजिटेशन से आगामी बच्चों को क्या सुविधा मिलेगी, उनको क्या सीखने को मिलेगा। तो मैंने इसका जवाब यही दिया कि मैंने जिस तरीके से रिसर्च की है, मेरा जो रिसर्च का मैंने मेथड अपनाया है, जो कि मैंने एनालिसिस किया है, वो बहुत बच्चों के काम आने वाला है कि एक नाटक को आप कितने विभिन्न नज़रियों से देख सकते हैं। नाटक का प्रदर्शन जो मेरे जो मैं